बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों को कैंप साइट के नाम बताने जा रहा हूँ। कैंप साइट की जो तादाद थी वो मैं आप लोगों को टोटल तादाद जो है वो कल बता चुका हूँ। जो तीसरा फेज़ है वो हमारा शुरू हो रहा है जुलाई के सेकेंड हफ्ते में। डेट मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, हमारी कोशिश है 10 जुलाई से तीसरे फेज़ को स्टार्ट किया जाए। तो इसमें जो टोटल कैंप साइट कैम्प की गई हैं उनकी जो तादाद है वो 269 है। तो हस्बे वादा मैं आज आप लोग को उन तमाम कैंप साइट के नाम बताने जा रहा हूँ। ये नाम इस वजह से बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोग उन कैंप साइट पर आसानी से पहुँच सकें और वहाँ जाके आप लोग क्या कर सकें, पेमेंट ले सकें। तो इस वजह से आप लोगों ने तवज्जो से ये नाम सुनने हैं। अगर आपके कोई जानने वाले कोई रिश्तेदार रहते हैं तो वहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि वो भी आसानी से इन कैंप साइट पर पहुँच सकें और जाके अपनी पेमेंट ले सकें और कैंप साइट ढूंढने में उनको कोई मुश्किलात पेश ना आएँ। तो इस वजह से पहले की वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोग की जो तवज्जो तलबी है वो नहायत ज़रूरी है, क्योंकि नाम जो हैं वो बड़े औखे हैं और काफ़ी सारे नाम ऐसे हैं जो मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ और फिर हैं भी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मेरी हिम्मत देखें, मेरा जोश देखें, मेरा जज्बा देखें, मेरा हौसला देखें, मैं घबरा नहीं रहा, मैं परेशान नहीं हो रहा, बल्कि मैं पुरजोश होकर आप लोग को उन कैंप साइट के नाम बता रहा हूँ ताकि आप लोग की आसानी हो सके और आप लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच सकें। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले, मैं हुसदाम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है वो मैं आप लोग को टाइमली देता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप लोग को मिलती रहे और आप लोग किसी फेक न्यूज़ का शिकार ना हों। तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कैंप साइट के नाम बताने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले लेते हैं स्टार्टअप, लेते हैं पंजाब से, मुल्तान से शुरू करते हैं और फिर हम जनूब की तरफ चलते जाएंगे क्योंकि सिंध जो है वो जनूब की तरफ आता है। तो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी कैंप साइट है वो तहसील वाइज मैं आप लोग को उनके नाम बताने जा रहा हूँ। तो तहसील जो खानेवाल है इसमें 4 कैंप साइट हमारी कैंप की गई हैं, उनके जो नाम हैं वो ये हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जामियाबाद नियर निज़ामाबाद खानेवाल। उसके बाद है गवर्नमेंट हाई स्कूल खानेवाल, गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल खानेवाल, केनाल रेस्ट हाउस मखदूमपुर खानेवाल। उसके बाद जो इसकी तहसील झानिया है उसमें हमारे पास एक कैंप साइट है और उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द बॉयज़ झानिया। उसके बाद है हमारे पास तहसील इसकी मियाँ चन्नू, मियाँ चन्नू में जो है वो 2 कैंप साइट, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तुलंबा। उसके बाद है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियाँ चन्नू। उसके बाद हमारे पास है इसकी तहसील कबीरवाला, कबीरवाला में जो कैंप साइट की तादाद है वो 2 है। उसमें है गवर्नमेंट हाई स्कूल जिनाह कलोनी अब्दुल हकीम तहसील कबीरवाला, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिराई सिद्धू कबीरवाला। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है लोधरा, लोधरा की अवाम भी बड़ी परेशान थी तो वो भी कैंप साइट के नाम सुन लें। तो लोधरा जो तहसील है इसमें हमारे पास 4 कैंप साइट हैं, उसमें सबसे पहले जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सुखेरा चौक गिल्लीवाल, गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल लियाकताबाद लोधरा, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज लोधरा सिटी, गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज एचएस गबन हाटा चक 100M। उसके बाद जो इसकी तहसील करोड़पक्का है, करोड़पक्का में 2 कैंप साइट कैम्प की गई हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नाटेवाला, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल धानोत। उसके बाद हमारे पास है दुनियापुर, दुनियापुर में एक कैंप साइट है, उसका नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जला अरैया। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट डीजी खान शुरू हो जाता है। डीजी खान के जो आवाम थे ये भी बड़ी सख्त परेशान थी और इन्हें जितने मुझे ताने मारे हैं और किसी ने भी नहीं मारे। उसमें सबसे पहले जो डीजी खान तहसील है तो उसमें हमारे पास 4 कैंप साइट हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गदई, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल पीर आदिल, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शादन लोंड, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सरवर वाली। उसके बाद जो इसकी तहसील कोटछुट्टा है तो कोटछुट्टा में हमारे पास 2 कैंप साइट हैं, उसमें गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चोटी जरी, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सखी सरवर। उसके बाद जो इसकी तहसील तौसा है, तौसा में 5 कैंप साइट हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोट कसरानी, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल वहोवा, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल टिब्बी कसरानी, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सोकाड़, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मकवल कलां। लैया वाले लोग भी काफ़ी परेशान थे तो वो भी तवज्जो से कैंप साइट के नाम सुन लें ताकि उनकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो सके। जो लैया की तहसील है करोड़ लालीसन, तो इसमें 3 कैंप साइट कैम है, उसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर द बॉयज़ करोड़ सिटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर द वोमेन करोड़ सिटी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर द वोमेन फतेहपुर सिटी। उसके बाद हमारे पास तहसील लैया शुरू हो जाती है। जो लैया की तहसील है इसमें भी 3 कैंप साइट हैं, उसमें सबसे पहले जो है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोट सुल्तान, उसके बाद है गवर्नमेंट वोकेशनल कॉलेज फॉर द वोमेन लैया, उसके बाद है गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल चौक आज़म। उसके बाद तहसील जो चुबारा है लैया की, उसमें एक कैंप साइट है, उसमें गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोट चुबारा।
उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट राजनपुर स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे याद है यूनिवर्सिटी में हमारा एक क्लास फेलो था राजनपुर का, तो हम उसको कहते थे, वो कहते था गवर्नमेंट जो भी चीज़ भेजती है राजनपुर फासला इतना है कि वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है, क्योंकि राजनपुर के बाद आगे सिंध शुरू हो जाता है। बहरहाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट है ये राजनपुर में पहुँचते पहुँचते ख़त्म नहीं हो जाती। तो राजनपुर की जो तहसील है जामपुर, उसमें मॉडल हाई स्कूल जामपुर सिटी, गवर्नमेंट हाई स्कूल दाजल तहसील जामपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल टालीवाला ऑन इंडस हाईवे तहसील जामपुर, उसके बाद है गवर्नमेंट हाई स्कूल लुंडी सैदा तहसील जामपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटला मुगला तहसील जामपुर। और ये जो कोटला मुगला है यहाँ पे मैं खुद भी ड्यूटी कर रहा हूँ, और हमारी जो ड्यूटी थी तब फ्लड के दौरान जो पेमेंट होती रही है 25-25 हज़ार, तब यहाँ पे ड्यूटी लगी थी। तो कम से कम 25 दिन हमारी वहाँ पे ड्यूटी रही है, जिसमें कैंप साइट की बकायदा मॉनिटरिंग करते रहे हैं। तो ये इलाका आज भी मुझे याद है, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं और खुश मिजाज हैं, खुश अखलाक हैं, और वहाँ की जो चाय होती है वो बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि खालिस दूध की बनी होती है, तो वो चाय मुझे आज भी नहीं भूलती। उसके बाद जो हमारे पास तहसील राजनपुर है, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज तहसील राजनपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल मेरे वाला तहसील राजनपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल मुरगाई तहसील राजनपुर, गवर्नमेंट स्कूल कोटला ईसन तहसील राजनपुर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फाजिलपुर तहसील राजनपुर, गवर्नमेंट वोमेन डिग्री कॉलेज कोट मिठन तहसील राजनपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल नूरपुर माछी वाला तहसील राजनपुर। जामपुर डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील रुझान है, रुझान में जो हमारी कैंप साइट है वो है गवर्नमेंट कॉलेज तहसील रुझान, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुनी मियानी तहसील रुझान, गवर्नमेंट हाई स्कूल बंगला अच्छा तहसील रुझान, गवर्नमेंट हाई स्कूल उमरकोट तहसील रुझान, गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल शाहवाली तहसील रुझान। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मुल्तान शुरू हो जाता है, तो मुल्तान सिटी में जो हमारी कैंप साइट है उनके मैं आप लोग को नाम बताने जा रहा हूँ। उसमें है गवर्नमेंट एलिमेंट्री बॉयज़ स्कूल नंबर 1 न्यू मुल्तान, उसके बाद है गवर्नमेंट बॉयज़ कम्प्रीहेंसिव सेकेंडरी स्कूल बोसन रोड मुल्तान, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर द स्पेशल एजुकेशन शाहरुखन आलम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर द वुमेन मुमताज़ाबाद, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कासिम बेला। अब मुल्तान सदर की जो कैंप साइट हैं उनके मैं आप लोग को नाम बताने जा रहा हूँ, इनकी जो तादाद है वो 4 है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मटीटल मुल्तान, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बस्ती मलूक, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मखदूम रशीद, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अजीज़ाबाद कस्बा मुल्तान की तहसील शुजाबाद है, उसमें हमारे पास 2 कैंप साइट हैं, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ द कॉमर्स शुजाबाद, गवर्नमेंट एलिमेंट्री बॉयज़ स्कूल गुजू हटा शुजाबाद। जलालपुर पीर वाला में जो हमारे पास कैंप साइट हैं उनकी जो तादाद है वो 3 है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल 84M जलालपुर पीर वाला, उसके बाद है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल हवेली लंग, उसके बाद है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बहादुरपुर, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ शुरू हो जाता है। तो मुजफ्फरगढ़ में मैं खुद 2 साल ड्यूटी करके आया हूँ, तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े याद आते हैं, ख़ासतौर पे कोटद्दू में। तो वहाँ पे स्कूलों की जो वेरिफिकेशन होती थी वो हमारा काम होता था, तो कोटद्दू के लोग को बड़ा सर्व किया है और इस पर मुझे फ़ख्र है। तो मुजफ्फरगढ़ ज़िले में जो मुजफ्फरगढ़ तहसील है, सबसे पहले मैं उनके कैंप साइट के नाम बताने जा रहा हूँ। उसमें मुजफ्फरगढ़ तहसील में जो हमारे पास कैंप साइट है उसमें सबसे पहले है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कम्प्रीहेंसिव मुजफ्फरगढ़, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खुर्शीदाबाद मुजफ्फरगढ़, उसके बाद है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बसीरा, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शाह जमाल, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रोहिल्ला वाली, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल खानपुर बगाशेर, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मुरादाबाद और गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलाटी। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ की जो तहसील अलीपुर है उसमें जो हमारी कैंप साइट है उनकी जो तादाद है वो 4 है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मडवाला, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल खैरपुर सदात, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सुल्तानपुर, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सीतपुर। उसके बाद हमारे पास जो तहसील जतुई है मुजफ्फरगढ़ की, उसमें जो हमारे पास कैंप साइट है उनकी तादाद जो है वो 2 है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल झुग्गीवाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल डमरवाला शुमाली। उसके बाद हमारे पास तहसील कोटद्दू शुरू हो जाती है, तो कोटद्दू में जो कैंप साइट की तादाद है वो 7 है, उसमें सबसे पहले है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महमूद कोट कोटद्दू मुजफ्फरगढ़, उसके बाद है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कस्बा गुजरात, गवर्नमेंट हाई स्कूल दारियादीन पना, उसके बाद है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चौक सरवर शहीद, गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 518 TDA, गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटद्दू, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 611 TDA पठान होटल। तो ये हमारे पास मुजफ्फरगढ़ में कैंप साइट है। अब ये वो कैंप साइट हैं जो न्यूली कैंप की गई हैं और इनकी जो तादाद है 88 है। उसके बाद जो हमारी पहले से रनिंग कैंप साइट हैं उनके अब मैं आप लोग को नाम बताने जा रहा हूँ, तो उनकी जो तादाद है वो है 34 कैंप साइट हैं, जो पिछले क्वार्टर में भी जहाँ पे हम पेमेंट देते रहे हैं। तो इन कैंप साइट का पहले भी आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को नाम बता देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से वहाँ पे पहुँच सकें। उसमें सबसे पहले है लोधरा में, लोधरा में है गवर्नमेंट सैयद नासिरुद्दीन शाह डिग्री कॉलेज गोजरान, करोड़पक्का में है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल फॉर द बॉयज़ करोड़पक्का, उसके बाद करोड़पक्का में एक और कैंप साइट है उसका नाम है गवर्नमेंट एसोसिएट डिग्री कॉलेज फॉर द बॉयज़ करोड़पक्का। उसके बाद लोधरा की जो तहसील दुनियापुर है उसमें हमारे पास 2 कैंप साइट हैं, उसमें है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल दुनियापुर,
गवर्नमेंट डिग्री काले फॉर द बॉयज़ दुनियापुर, उसके बाद हमारे पास डीजी खान में जो एक कैंप साइट है जो पहले से रहने गए, उसका नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कम्प्रीहेंसिव डीजी खान। उसके बाद कोट छुट्टा में भी एक कैंप साइट है, उसका नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोट छुट्टा। उसके बाद तौसा में है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तौसा। उसके बाद डीजी खान में दो और कैंप साइट भी हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल खार फोर्ट मिनरू, गवर्नमेंट हाई स्कूल भारती। उसके बाद हमारे पास है लैया, लैया में जो एक कैंप साइट है उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कौंसल हॉल लैया। उसके बाद मुल्तान सिटी, मुल्तान सिटी में दो और कैंप साइट हैं, उसका नाम है गवर्नमेंट पैलेस सेकेंडरी स्कूल नवाशहर मुल्तान, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर स्कूल बस्ती खुबैबाबाद। उसके बाद हमारे पास मुल्तान सदर में मजीद तीन कैंप साइट हैं, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कादरपुर रवां, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लुत्फाबाद बोसन रोड, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल शेरशाह। उसके बाद हमारे पास शुजाबाद में मजीद दो कैंप साइट हैं, उनका नाम है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर द बॉयज़ शुजाबाद, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बस्ती मिट्ठू। जलालपुर पीरवाला में भी एक कैंप साइट है, उसका नाम है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर द वोमेन जलालपुर पीरवाला। उसके बाद तहसील मुजफ्फरगढ़ में हमारे पास मजीद तीन कैंप साइट हैं, उनका नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल करमदाद कुरेशी, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल खानगढ़, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रंगपुर। उसके बाद हमारे पास है अलीपुर, अलीपुर में भी एक कैंप साइट और है, उसका नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल अलीपुर। उसके बाद जतोई में हमारे पास मजीद तीन कैंप साइट हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शेर सुल्तान जतोई, गवर्नमेंट हाई स्कूल जतोई, गवर्नमेंट हाई स्कूल मीर हाजिर खान जतोई। उसके बाद हमारे पास कोटद्दू में मजीद दो कैंप साइट हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिनामा कोटद्दू, तो यहाँ पर भी मैंने कैंप साइट में बाकायदा ड्यूटी की है और यहाँ पे मेरे इंटरव्यू भी हैं, किसी दिन मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि आप लोग ताने मारते हो और कहते हो कि हाँ जी सर आपको तो कैंप साइट का पता ही नहीं है, आप तो इधर बैठ के बातें करते हैं, सारे हालात का पता है और सारे हालात बाकायदा फेस करके आया हूँ, ऐसे नहीं आ गया। उसके बाद है गवर्नमेंट हाई स्कूल कोटद्दू नंबर वन कोटद्दू। उसके बाद खानेवाल की जो तहसील झानी है, झानिया में मजीद एक कैंप साइट है, उसका नाम है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ठट्ठा सदकाबाद झानिया। उसके बाद है मियाँ चन्नू में हमारे पास दो कैंप साइट हैं, गवर्नमेंट एमसी मॉडल स्कूल जीटी रोड मियाँ चन्नू, गवर्नमेंट हाई स्कूल 134-16L मियाँ चन्नू। उसके बाद हमारे पास है कबीरवाला, कबीरवाला में मजीद तीन कैंप साइट हैं हमारे पास, म्यूनसिपल कमेटी हॉल कबीरवाला, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल खोखर हट्टा न्यू बिल्डिंग कबीरवाला, यूनियन कौंसल ऑफिस चौपड़ हट्टा कबीरपुरा। तो ये हमारे पास पंजाब में जो कैंप साइट थी, जो इनकी तादाद थी वो 122 थी। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है, आप लोगों ने इन कैंप साइट पे जाना है, यहाँ पे कोई भी आप लोग को मुश्किलात होती है, आप लोग को टोकन नहीं मिलता, आप लोग की कटौती होती है, कोई डिडक्शन होती है, तो मैं अवेलेबल हूँ आप लोग की मदद के लिए। तो इंशाल्लाह मेरे दरवाजे जो हैं वो आप लोग के लिए खुले होंगे, मेरी हेल्प आप लोग के साथ है, मेरी बेस्ट विशेस आप लोग के साथ है, आप लोग खुले दिल से यहाँ पे जाएं और जाके पेमेंट लें, अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।